मैंने मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कोको। भाई ये तो तुम ही हो जो कर देती हो। अब इस वक्त पे अगर तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए तो मैं कैसे खिलाऊंगा? तुम लौट के आओगी तो मेरे दोनों हाथों पट्टियां बंधी होंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बॉम्बे में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। बेबी हाई कर दो। बारिश हो गई है। हाँ, मैंने हाई कर दिया। नहीं, नींद से उठी हूँ मैं और फटाफट नहाई हूँ। नींद भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि आज कैंडी का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से और हमें जाना है बैंड्रा। बैंड्रा जाएंगे, इसका ब्लड टेस्ट है बिकॉज आप इसके दांत अभी दिखाती हूँ। दो दांत नीचे के टूट गए हैं, सो वी आर वेरी वरिड कि इसके दांत का क्या होने वाला है। तो एक तो इसकी क्लीनिंग करानी है, तो क्लीनिंग के लिए भी एनेस्थीसिया वगैरह देंगे, तो उसके लिए पहले ब्लड चेक होना बहुत जरूरी है। सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। कैंडी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, सब लोग भूखे हैं। तो मैं फटाफट कैंडी के लिए थोड़ा पानी वानी कुछ खाने के लिए ले रही हूँ ताकि ब्लड टेस्ट के बाद उसको कुछ खिला दे। हम तो भूखे रहेंगे। कॉफी भी नहीं पी है। कोई बात नहीं, वो देखो सोनी कैसे तैयार है। सोनी को पता है कि कुछ हो रहा है। सोना को पता नहीं ना आज खून चूसा जाएगा सोना का। कहाँ बुला रही हो उसको यार? उसको लगेगा कुछ देने बुला रही हो, दे सकते नहीं है। कैंडी की ट्रीट ट्रीट छुपा लो ना, अभी मांगने लगी हो। शिट यार, नींद में होना तो पता नहीं चला यार। अब देखो उसको समझ में आ गया, उसको लग रहा देख क्यों नहीं रही। अब छोटा अभी नहीं मिलेगा, छोने अभी नहीं है वो, अभी भूखे पेट रहना आपको। अच्छा, ये भी तैयारी चल रही साथ में। नींद भी पता है पूरी नहीं हुई है मेरी। मैं तो कह रहा था और जल्दी का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। और कितना जल्दी ले यार, अब क्या पूरी रात काली कर दूं? वो तो गई। अरे कम से कम जल्दी जाते तो कम भूखी रहती ना। वो देखो दो पैर पे खड़ी होके क्या कर रही है। इसकी चेन तो लगाओ। घूमी जाएगी, घूमी घूमी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ। ये क्यों लग जाती है? भुजंगासन में क्यों आ जाती है? चलें तो लग रहा है, बाल चला गया। तुम्हारे ग्लव्स कहाँ बेबी? बड़े वाले ले लो, गाड़ी चला लोगी पहन के? हाँ, ये तुम्हारा? मैं नहीं, मैं तो ये पहनूंगा क्योंकि अगर डॉक्टर को हैंड ओवर करना होगा, वहाँ पे जो स्टाफ होगा हैंड ओवर करना होगा, तो एटलीस्ट ग्लव वाले सेफ रहे ना। और एक सैनिटाइजर भी ले लेते हैं अभी। ठीक है, ये वाला ले लूं? वहाँ पे छोटा भी था ना, कितना बड़ा लेके चलेंगे? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है रख लो, चले। ये वाले हैंड ग्लव्स देना, ऐसा लग रहा है मैं डकैती करने जा रही हूँ कि वो निशान ना छू जाए। कॉमिक्स के विलन होते हैं ना, जो कॉमिक्स के, काला सांप, काला नाग देवता। मोबाइल तो, मोबाइल तो आपका है, आपको लेना पड़ेगा ना। क्या हो गया तुम्हें? ना मोबाइल लेती हो, ना ग्लव्स पहनती हो, ना मास्क पहनती हो। किसी के काम की कॉल तो आने नहीं है बेबी, क्या करूँ मोबाइल लेके? इस मोबाइल का मैं क्या करूँगी? तुम कह रहे हो नया मोबाइल ले देता हूँ, मैं उसका क्या करूँगी? कोई काम का फोन आ भी जाए तो ले नहीं सकते। मैं तो फोन भी नहीं उठाती लोगों के। तो कहते ना आपको कास्टिंग के लिए फोन कर रहे हैं, मैं ना मुंह पे मारती फोन कास्टिंग करेंगे ये लोग। पता कल ही डांटा मुझे इनको। क्यों? अरे लॉकडाउन में कौन सी कास्टिंग हो रही है तुम्हारी? यार वो थैला हटा लो ना, उसके मुंह पे लग रहा है वो भी उसी हाथ में है, ये भी उसी हाथ में है। ओहो, बहुत मीठा है। ये छुड़ा के भागी है मेरे से, पता है? उसको लगा ना गाड़ी में नहीं ले जा रहे। उसको उठा लो बेबी, छोड़ो उसको। आओ कैंडी इधर आओ, नाखून पे नाखून चढ़ा हुआ है उसके, पता है? बेटा ये कैसे करा हुआ है? आओ इधर आओ, मारिए इधर बैठो चुपचाप। मेरे बच्चे के दांत एकदम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। दोस्तों हम लोग पहले सोच रहे थे कि थोड़ा बाद में कैंडी के दांत ठीक करवाते हैं, लेकिन लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा। हमने सोचा लॉकडाउन वन में कि टू में करेंगे, फिर थ्री में करेंगे, फिर थ्री में करेंगे, फिर फोर में करेंगे, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा लॉकडाउन। और चक्कर क्या है, इसके दांतों में ना बहुत ज्यादा गंदगी जमती जा रही है, जिसकी वजह से दो दांत टूटे थे, मैंने आपको बताया भी था। तो अब भाई लॉकडाउन बढ़े या घटे कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके दांत टूट गए तो इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ये उतार दूं अभी, बस हो गया, वहाँ पे पहन लूंगी ना। कैसे गाड़ी कैसे चलाऊं? मम्मा का छोटा वाला बेबी। बेबी इसके दांत में उस दिन इतना डर गई ना, मुझे लगा यहाँ का भी टूट गया इसके। दांत टूट जाएगा तो खाएगी कैसे ना यार, अभी तो आधी से ज्यादा जिंदगी पड़ी है इसकी। एक्चुअली इसको जरा भी कुछ भी हल्का सा भी कुछ होता है ना, हम दोनों पागल हो जाते हैं, बिकॉज इतनी जरा सी है ना ये। भाई वहाँ इसके नेल्स कट जाएंगे क्या? नेल्स देखते हैं, डॉक्टर से बात करूंगी। कटवा लेना, देखो अभी मेरे पैंट के धागे में फंस गया इसका नेल। तो अगर हो गया तो ठीक है, वरना मैं काट दूंगी। चेरी के भी तो काटने हैं मेरे को। सो गई है
बाप रे, जुहू बीच तो इतना क्लीन कभी नहीं देखा बेबी। पानी देख रहे हो कितना आगे तक आया हुआ है। सच में यार, तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। संभावना ने सोचा वो जाके एक दुकान से अपने नेस्प्रेसो के कैप्सूल्स पूछ ले, पर जैसे ही निकल के गई है ये देख लो रोना शुरू। कैंडी आ रही है ना मम्मी, अभी रुक जा। नेस्प्रेसो तो नहीं है लेकिन बाकी चीजें इतनी अच्छी अच्छी मिल रही है ना बेबी। आते आते एक राउंड मार लेंगे। तो कैंडी का क्या करेंगे? कैंडी की रहेगी गाड़ी में, गर्मी थोड़ी है। बोलो, फटक से ले आएंगे हम। पहले काम खत्म करते हैं, भूख लग रही है, कभी और आ जाएंगे फूड हॉल। ये कितना रोई है पता है तुम्हारे जाने पे? शून्या क्या हुआ है? यहाँ का रुकोगे बेबी? ये कौन सी पार्किंग कर रही है? आगे रुक देती हूँ, लगता है वो ज्यादा सेफ जगह है। नहीं, ये भी सेफ ही है। तुम्हें जहाँ मैं रुकती ना वो जगह सेफ नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों हम लोग आ गए कैंडी के डॉक्टर के पास। बेबी कैंडी के लिए तो कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है गाड़ी से उतरने के लिए। तुम्हारी गंदी आदत पड़ गई ना दोस्तों दोस्तों बोलने की, इतना गंदा सा चीप सा बना दिया। हेलो दोस्तों, आओ दोस्तों, आओ, बारिश हो रही है बेबी, जल्दी आ जाओ। छोना इतना अच्छा बच्चा बन गया, छोना मेरा इतनी प्यारी गुड़िया बन गई मेरी। क्या हुआ? दांत की सफाई है ना। डॉग्स कैट्स के चिल्लाने की आवाज सुन के ना कैंडी की फट गई है। हाँ जी, डर लग रहा है? डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको, सिर्फ एक ब्लड टेस्ट है बेटा, कुछ भी नहीं है। चुना क्यों रो रहा है? तो अच्छा इंजेक्शन लगेगा मेरी बेबी को, तोता वाला इंजेक्शन एकदम। मेरा चुना कैसा लग रहा है? माय बेबी इज सो क्यूट, इतना क्यूट नहीं लगते। हाँ भी डॉक्टर, दो दांत टूट गए नीचे के। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा। कैंडू आज कर सकते हैं क्या डॉक्टर? नहीं, ब्लड चेक करने से देखते हैं। तो कैंडी का ब्लड सैंपल उन लोगों ने ले लिया है, हम लोग को उस रूम में अलाउ नहीं किया जहाँ ब्लड सैंपल वो लोग कलेक्ट करते हैं। तो मैं कैंडी को लेकर गाड़ी में आ गया हूँ। संभावना डॉक्टर से बात कर रही है क्या क्या मेडिसिन है, क्या क्या लेना है, और कैंडी यहाँ पे वेट कर रही है संभावना का। देखो देखो मम्मा ही क्या आ गई, आ गई मम्मी, आ गई बेटा, आ गई। हाँ मेरा बच्चा, हाँ। ओ बाप, सैटरडे का अपॉइंटमेंट मिला बेबी इसका। पहले हैंड सैनिटाइज करो उसको, खाने को दो यार। मेरे बाबू भूखी लगी हुई है, मैं बाबू को। तो अभी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कब तक? अभी एक डेढ़ घंटे में। तब तक ये कुछ मेडिसिन दी है और कह रहे हैं कि इसके 3-4 दांत और निकलेंगे। What? उसी दिन। क्यों निकलेंगे? क्योंकि वो निकल रहे हैं। दिस इज वेरी सैड अविनाश। मैं छोटा बेबी को बहुत भूख लगी हुई है बेबी, इसको आधा करके दे दो। सैटरडे को कितना टाइम लगेगा इसके दांत की सफाई में? 3-4 घंटे। तो हमें छोड़ना पड़े इसको। तो निकलेंगे ही निकलेंगे दांत, कुछ कर नहीं सकते उसमें। आगे के छोटे वाले तो वही बताएंगे, कह रहे मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी हिल रहे हैं। क्या क्या ले आए हो ये? खारी खत्म हो गई थी ना बेबी। अरे इतनी सारी खारी? तो 1, 2, 3, 4, माय गॉड। और ये ऊपर क्या है? तुम्हारे लिए कुकीज लाया हूं, नान खटाई कुकीज, कोकोनट कुकीज। ओ माय गॉड, इतना कुछ ले आया। चुना क्या क्या आ गया खाने को? देखो कुछ आगे खाने को। इंजेक्शन लगा था ना कैंडू को? मैं कैंडू का खून चूस लिया, खून यहाँ से निकाला। देखो ये देखो, देखो ये रहा ना ब्लड। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर के एकदम पास। तो हम लोग आ गए घर के एकदम पास, और अब मैं दोस्तों बोलने की कोशिश करूंगा एकदम कम, और मैं अगर बोल दूं तो मुझे टोक देना आप लोग। तो दोस्तों तो हम लोग आ गए घर के पास, और घर पहुंच के आपसे बात करते हैं। कैंडी आओ। ओए वो गाड़ी है, कहां है कैंडी का? इसकी वो कहां है चेन? तो अब सीधा ऊपर मिलते हैं हम लोग, ऊपर मतलब घर पे। दरवाजा खींचोगे? हाँ, तुम तो आओ। हम लोगों ने भी कैंडी के साथ साथ सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और अब जाके हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। दोपहर के बज रहे हैं 12। कैंडी को तो वहाँ पे हमने ट्रीट दे दी थी, और हम लोग अपना नाश्ता करेंगे, चाय कॉफी पियेंगे। अच्छा ये पता नहीं बड़ा अजीब सा सीन हो रहा है मेरे को, इतनी हंसी आ रही है ना। कोविड हो गया, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से बचो, तो फिर आगे टिड्डी अटैक से सब लोग बोल रहे थे घरों की खिड़कियां बंद कर लो। आप लोगों ने घरों की खिड़कियां बंद कर ली। उसके बाद आ गया साइक्लोन। अरे किस से बचे? अरे कहाँ से बचोगे बताओ, मतलब हर तरफ से अटैक हो रहा है। और तुम की राइटिंग कर रहे हो, ये बनेगी कहाँ? ये कब बनेगी फिल्म जिसकी राइटिंग चल रही है उम्फान के बाद? पहले ना बहुत डर लग रहा था ना, अभी हंसी आने लग गई है कि कहाँ आप मतलब कहाँ से बचोगे बताओ। ये डर की हंसी है ना, ये मौत की हंसी है। क्या भागे तो भागे कहाँ, आप तो मरना ही है। लो जी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। सिर्फ भुर्जी ब्रेड का है? आ रही। बिस्किट खा लूँ गया थोड़ा सा। बिस्किट कॉफी के साथ ना बेबी? ठीक।
ये टिड्डी ने कहाँ पे अटैक किया बेबी? बोल रहे थे कि बॉम्बे पहुंच गई है, आ रही है रास्ते में। अरे ऐसी एक ही वीडियो को इतना सर्कुलेट कर देते ना, ऐसा लग रहा है हर जगह पहुंच गई है। अरे ये तो एक ही कप दिख रहा है। अच्छा पहले कह रही थी इतनी सारी कुकी वुकी क्यों खरीद ली, अब सजा के लाइयो कुकीज। तुम्हारी चाय थोड़ी उबल रही है, अब लाती हूं। मैं अपनी कॉफी पीने बैठी हूँ तो तीनों इर्द गिर्द, वो देखो वो रात चुपके देख रहा है, ये रही अपना खाना खा रही है जब किसी ने भाव नहीं दिया इसको, और ये रही चेरी। अरे 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 वहीं पे ले जाओ बेबी। नहीं नहीं मैं यहीं पे खिलाऊँ, ये नहीं चलेगा, ये हमेशा ऐसे करता है। अच्छा आप लोग क्या बोलते हो ना, इसको दूध में डाल दो या खाने में डाल दो, ऐसा थूक के जाएगा मेरे मुँह पे, खाएगा नहीं, इसको पता है दवाई है उसके अंदर। काट रहे मैंने, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कोको। भाई ये तो तुम ही हो जो कर देती हो, अब इस वक्त पे अगर तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए तो मैं कैसे खिलाऊंगा? तुम लौट के आओगी तो मेरे दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी होंगी। अरे अभी तक पट्टा नहीं खोला उसका। इधर बैठो। क्या हुआ? वो सोचती रहती है कि मैं करती क्या हूँ, उनकी खिलवाड़ कर रही होती हूँ। कोरोना वायरस डिजीज चेक किया हुआ तुमने? यही लेटेस्ट कोरोना वायरस डिजीज की घर पे कैसे क्या करे इसको। शिट यार, फ्रस्ट्रेशन है पक्का है, क्योंकि ये अंदर पता है डर तो लग रहा है लेकिन हंस रही हूँ मैं, दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं। Maybe this is not normal. हिस्टीरिया है क्या? Let's call for medical help. तो दोस्तों संभावना ने चार बार चाय पी ली है। कितनी चाय पी रही हो, क्या हो गया तुम्हें? दो बार, एक कॉफी पी थी एक चाय पी। तो दोस्तों हम लोग खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। दोस्तों नहीं बोलना। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आप लोग जरूर बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग कैसा लगा। एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। आशीर्वाद। अब आशीर्वाद भी देने लगे, बाबा भी बनोगी तो। वो देखो खून निकलवा के कैसे बैठी है बेचारी। अरे ऊपर से मैं भी उड़ गई, अरे मेरा बच्चा, अरे 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 आजा मेरा बच्चा। सडनली कैसे बेचारी बन गई है? इसके पैर में दर्द हो रहा होगा क्या? सुई लगी है, मैं भी सुई से निकाला ना।